यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पंचकुला से यह अहम खबर है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना की आज शुरुआत होनी है। अहमदाबाद से पीएम नरेंद्र मोदी ये शुरुआत करेंगे और सीएम मनोहर लाल पंचकुला से शुरुआत करेंगे। जिला स्तर पर मंत्री और अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। पंचकुला में भी कार्यक्रम रखा गया है। इसी को लेकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों को इससे फायदा होगा। 3,000 रुपए पेंशन जो है फिर उन्हें मिलेगी और जिला स्तर पर मंत्री और अधिकारी भी पंचकुला में मौजूद रहेंगे। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों को इससे फायदा होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस योजना की शुरुआत होने से कई कामगारों को भी फायदा होगा, तो जिला स्तर पर जो पंचकुला में कार्यक्रम रहेगा उसे लेकर ज्यादा जानकारी। देखिए सीनम, पिछले आम बजट में, केंद्रीय आम बजट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस योजना की घोषणा की थी और इस योजना के शुरू हो जाने से असंगठित क्षेत्र, जिसका मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई धोबी, बार्बर या इस तरह के जो काम करते हैं, पेडलर इसलिए जो काम करते हैं, इन सभी को 60 साल के बाद उम्र हो जाने के बाद इनको करीबन 3,000 रुपए की सरकार की तरफ से पेंशन मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा में आज से इसकी शुरुआत जो है पंचकुला केंद्र ऑडिटोरियम से होगी और वहीं से मुख्यमंत्री पूरे राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो इस योजना का उद्घाटन करेंगे, जिस राज्य से संबंधित उस मौके पर वहां पर उस राज्य से संबंधित एमएलए और जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। जी हिंद, बिल्कुल ओपी शर्मा। और इसके लिए जो लोग वहां पर पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं जो कामगारों के लिए पेंशन 3,000 रुपए की पेंशन का प्रावधान होगा, जो रजिस्ट्रेशन है कैसे लेकर कोई जानकारी है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है हरियाणा से? देखिए शिनम, असंगठित क्षेत्र के जो कामगार मजदूर होते हैं उनका जो एक डेटा होता है वो जो स्थानीय जिला स्तर पे जो श्रम विभाग होता है उसके अंदर होता है। उनको समय समय पर बहुत सारी जो स्कीम्स है उनका बेनिफिट हो जाएगा। उसके तहत जो लोग रजिस्टर्ड है वो सब अपने डॉक्यूमेंट लेके अपने नजदीक के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर अंत्योदय सेंटर में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने। उनको ये नहीं है कि अगर आप किसी दूर दराज के इलाके से आ रहे हो, आप अपने एसडीएम ऑफिस से हो जाके या डीसी ऑफिस में जाके कॉमन सेंटर में जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जैसी उम्र आपके 60 साल की होगी आपके खाते में 3,000 रुपए पेंशन के जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत आने लगेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओपी शर्मा ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो आज जिला स्तर पर जो कार्यक्रम रहने वाला है जिसकी शुरुआत आज पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से करेंगे, तो पंचकुला में भी इसी को लेकर कार्यक्रम रखा गया है।